हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कोलंबाई, चलिए आज फिर चलते हैं घूमने के लिए महाबलीपुरम में, जो चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो मोनूमेंट्स 6, 7 और 8 सेंचुरी AD में पल्लव डायनेस्टी ने बनाया था, जो पल्लव डायनेस्टी का सीट बोर्ड हुआ करता था। अभी हम चल रहा है स्टेट हाईवे 49 से, जो चेन्नई सिटी से महाबलीपुरम जोड़ते हैं। बहुत ही क्लीन है रास्ते के किनारे, साफ सुथरा। अभी सुबह होने के कारण इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है, खाली खाली नजर आ रहा है। ये चेन्नई सिटी की जो सागर के किनारे, इसके किनारे से गुजरते हैं रास्ते। ये मॉर्निंग होने के कारण अभी इतना भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर खाली खाली ही नजर आ रहा है। अभी हम पहुंच गया है गोल्डन वेस एरिया। ये है गोल्डन वेस एरिया, इट इज लिटिल आउटस्कर्ट ऑफ चेन्नई। गोल्डन वेस लगभग 49 किलोमीटर है मेरीना बीच से। ये है, यहाँ पे एंट्री फीस लगता है। अभी हम यहाँ पे नहीं आएंगे। वन कैन एंजॉय सी वाटर एंड कूल ब्रीजी इन दिस गोल्डन बीच। ये है बाहर का नजारा। अभी हमारा टारगेट है महाबलीपुरम, जो पहले जमाने में मामलापुरम से भी जाना जाता था। ये है बाहर का नजारा गोल्डन बीच का। दिस रोड ऑल्सो नोन एज ईस्ट कोस्ट रोड अलोंग द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर पुदुचेरी दिखा रहा है। पुदुचेरी चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर है। इट टेक्स अबाउट 3 hours and 30 minutes। देखे हो ब्यूटीफुल। ओ है, गर्मी हो रहा है, गाड़ी में थक गया होगा काम करते करते। ब्यूटीफुल रोड। अभी पहुंच गया है मामलापुरम। दाहिने तरफ घूमेंगे तो पहुंच जाएंगे पंडिचेरो, और बाई तरफ सीधा जाएंगे। बाई तरफ घूम लिया, अभी मिल गया हमको महाबलीपुरम, मामलापुरम, छोटा सा सिटी। ये एक वक्त था जहाँ पे, यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी अपना सपोर्ट किया करता था। ये है मामलापुरम सिटी, छोटा सा सिटी है ये।
मामलापुरम बास्तन आ गया आगे। ये मामलापुरम बास्तन ब्यूटीफुल स्कर्सा लाइट हाउस। Very interesting, beautiful places to enjoy the holiday here. अभी चलिए चलते हैं देखने के लिए कृष्ण मंडपम। ये कृष्ण मंडपम, इसके अंदर कुछ स्कल्पचर ऐसे बना हुआ है जो इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक माना गया है कि इस गांव के ऊपर इंद्र को बहुत गुस्सा आया था। इस गुस्सा के चलते भारी तूफान और रेन भेजा था। इसमें क्या हुआ था, इस गांव में ही एक कृष्ण नाम का लड़का रहता था। जो लड़का कवर्धनागिरी पहाड़ को अपने बाएं हाथ से उठाया और उसके नीचे जो भी गांव में रहने वाला पशु पक्षी ये जो गवर्धनागिरी पहाड़ के नीचे रेन से सेव हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार के, ये कृष्ण पकड़ के रखा है गवर्धनागिरी पहाड़ को। ये इसके चलते पूरा गांव में जितना भी कृष्ण मंडपम के नजदीक में आ जाता है पंचपंडप केव। इसमें कहना और देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो पिलर बना हुआ है उसमें लायन का सिंबल बना हुआ है। ये उसकी अंदर थोड़ा सा क्या है वो है, ये इस एक किनारे से दूसरे किनारे तक कैसे है। दिस मोनूमेंट इज नोन एज अर्जुन पैलेस। दिस मोनूमेंट व्हिच इज 25 मीटर इन लेंथ एंड 12 मीटर इन हाइट हैज बीन कार्व्ड ऑन द ईच ऑफ ए ह्यूज वेल शेप्ड रॉक। There are more than 150 beautiful lifelike figures in this monument, and this can be very well be termed as partial exhibition of the sculpture. Right in the middle of the monument, dividing it vertically into two halves, and this is believed to be stand for the Hali Ganga. अभी चलते हैं गणेशा मंदिर, जा रहा है ये महाबलीपुरम का पुराने जमाने का ये रॉक कट टेम्पल। दिस स्ट्रक्चर कार्व आउट ऑफ ए सिंगल रॉक ड्यूरिंग द रेन ऑफ परमेश्वर वर्मन इन द लेटर हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट अभी चलते हैं बरसा मंडपम और इसके आगे मिलेगा राया गोपुरम। राय गोपुरम बरसा मंडपम रॉक कट बरसा टेम्पल। रॉक कट बरसा टेम्पल एडिटिंग कर। स्टाइल है यूरोप का।
दिल की तरह Rayagopuram. This monument is an incomplete Gopuram with a high mullet, Adhisthana and Durjams erected over the summit of the hillock possible of Vijayanagara period. Beautiful sculpture representations are found in this Durjam of अभी ये आ गया राय गोपुरम। अभी जाएंगे द्रौपदी स्नान घर। गया नहीं मैं। ये है द्रौपदी का बाथरूम ऊपर। लायंस थ्रोन। और नेक्स्ट आ गया है महाबलीपुरम लाइट हाउस। आ जाओ। ओके। और ये आ गया माही समर्थनी कैप।
हाँ मिश्रा।